वाला एक शूज और ये है 10,000 के आने वाला एक शूज, इन दोनों के बीच में आज करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चंदू स्केटर में। और आज मैं दो अलग स्केट का स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ इन दो स्केट्स के बीच स्पीड टेस्ट। ये है ऑक्सोलो की तरफ से आने वाला MF 900 और ये है जेस्पो की तरफ से आने वाला 2,000 के प्राइस रेंज का एक शूज और ये है 10,000 के आने वाला एक शूज। इन दोनों के बीच में आज करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट। और ये कंपनी क्लेम करती है दोनों का जो बेयरिंग है वो है ABEX 7 का, तो आज देख लेंगे। और इसका जो व्हील साइज है वो है 110 mm और इसका जो व्हील साइज है वो है 100 mm। तो इन दोनों के बीच स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कौन मतलब जीतता है स्पीड में। तो चलिए पहले इसको पहन के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्पीड टेस्ट कैसे करूँगा वो मैं बता देता हूँ। पहले वो वाला शूज पहन लूंगा और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से खड़ा होके मैं बस एक पुश लूंगा और सामने की ओर पूरा ढलान है और वो ढलान की ओर मैं चलता जाऊंगा और एक जगह कहीं पे रुकेगा, वहां पे एंडिंग पॉइंट दे दूंगा। फिर दूसरे शूज को भी पहन के जस्ट पहले की तरह ही करूंगा, एक पुश लेके जाऊंगा और फिर एंडिंग पॉइंट में जाके रुकूंगा और दोनों का स्पीडोमीटर से स्पीड टेस्ट करेंगे। का स्पीड टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है जिसमें मैं स्पीडोमीटर डाल दूंगा, वो आपको स्क्रीन में साइड में स्क्रीन में दिखता रहेगा। तो पहले गाइज इसको पहन लेते हैं और इसका पहले स्पीड टेस्ट करते हैं। और गाइज ये रहा वो लाइन जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लाइन दिखाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम आपको एंड में भी एक लाइन दिखाएंगे जहाँ पे ये जाके रुकेगी स्केट शूज, वहाँ पे एक और लाइन खींच देंगे और दूसरा स्केट शूज से सेम इधर से ही स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे लाइन खींचे होंगे एंड पॉइंट का वहाँ पे जाके रुकेंगे और दोनों का स्पीड मैच करके देखेंगे कौन जीतता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। मैं बस एक ही पुश लूंगा, उसके बाद मैं नॉर्मली खड़ा रहूंगा, बाकी ढलान है इधर से उधर, अपने आप देखूंगा कहाँ पे जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, स्पीडोमीटर भी डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके हमारा स्केट शूज रुका और ये हम लोगों ने एक निशान लगा दिया है एंड पॉइंट का और हमारा मैक्स स्पीड आया 17 km/h। तो अब देखते हैं दूसरा स्केट पहन के देखते हैं उसका कितना आता है। फिलहाल अभी चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के पास। तो गाइस, स्टार्टिंग पॉइंट में मैं अभी आ गया हूँ और अब मैं ये वाले शूज पे अब देखूंगा स्पीड टेस्ट। फिलहाल ये शूज को अभी पहन लेता हूँ, उसके बाद अब इसका स्पीड टेस्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा स्केटिंग शूज पहन लिया हूँ MF 900, अब इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट से। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, एक पुश लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा एंड पॉइंट और इससे भी एंड पॉइंट पे आके रुके हैं और इसका स्पीड मैक्सिमम स्पीड आया है 20 km/h, यानी कि 3 km/h ज़्यादा पहले पिछले वाले स्केट से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि ये स्केटिंग शूज का स्पीड आया, मैक्स स्पीड आया 17 km/h और फिर सेकेंड टाइम में इसका स्पीड टेस्ट किया जो कि इसका आया 20 km/h। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो है 3 km/h का और जो विनर है वो है MF 900। जिसको चुना है ये 10,000 का आता है, ये 2,000 का आता है। इन दोनों का जो बीच का प्राइस डिफरेंस है वो है 8,000 का। तो बस मेरे पास दोनों शूज थे इसलिए मैंने इन दोनों को कंपेयर किया और कुछ नहीं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्केटिंग प्रैक्टिस या इसी तरह की किसी वीडियो में। और कमेंट में आप लोग बताना कि नेक्स्ट टाइम मैं इन दोनों के बीच क्या कंपेरिजन करूँ। बस इतना ही, बाय बाय।